आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के वाईफाई की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे आपको टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में सबसे ऊपर इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना जो है नीचे की साइड आना है, ठीक है। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलता है, ये मेटा सर्विस, मेटा सर्विस पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करना है और मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के वाईफाई की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।